Subscribe my YouTube channel, press the bell icon to more notification. हेलो और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंफोटेक हेमो में। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तीन बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट स्पीकर्स। यहाँ पे दो मेरे पास स्पीकर्स हैं और एक कौन सा बेस्ट है एयरबड्स। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो स्पीकर हैं, स्मॉल स्पीकर हैं, अंडर बजट के अपने पास स्पीकर हैं और अंडर बजट का ही एयरबड्स है। तो यार, ये तीन मेरे पास चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि ये क्यों बेस्ट हैं और कितने मतलब लोग को कितना प्राइस है इनका, क्यों अच्छी हैं और क्यों मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और इसी ब्रांड की मैं चीज़ें क्यों ज़्यादातर खरीदता हूँ। तो आप इन कंपनियों के नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में जरूर आएगा कि हाँ यार, ये बहुत ही बेस्ट कंपनी और इसके प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तीन मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और जो लोग नए हैं यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को और उन्हें बताएं कि कौन सी तीन बेस्ट प्रोडक्ट, दो स्पीकर्स और एक ईयरबड्स बेस्ट रहने वाले हैं आपके लिए अंडर बजट में। सो लेट्स स्टार्ट विद हेमू नागर और लेट्स वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू। सो लेट्स स्टार्ट और देख लेते हैं यार कौन से हैं वो बेस्ट स्पीकर और बेस्ट ईयरबड्स। सो चेस गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे हाथ में है ये स्पीकर, गेस करके आप बता सकते हैं ये कौन सा स्पीकर है। और गाइस, आपको नहीं पता तो यार एक बार इसके मैं ब्रांड नेम बता देता हूँ। ये है वोट स्टोन 650 का स्पीकर है मेरे पास और ये मुझे पड़ा था 1999 रुपए का, 2000 का मान लीजिए वैसे बजट के अंडर में ही है। पर ये सबसे बेस्ट स्पीकर, आप इसको यूज करते हुए मुझे अभी 6 मंथ हुए हैं, बैटरी बैकअप बहुत ही धांसू है इसका, बेस साउंड क्लियरिटी और एकदम मतलब डॉल्बी साउंड है गाइस, बहुत ही बेस्ट साउंड है यार इसका। अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वाटर प्रूफ का कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इसीलिए ये वोट स्टोन बहुत ही बेस्ट स्पीकर। और वोट कंपनी आप जानते ही होंगे कि क्यों बेस्ट है एयरफोन स्पीकर्स के लिए। तो पहला ये स्पीकर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है वोट स्टोन 650 और मेरा इसका एक छोटा वर्जन भी रह चुका है मेरे पास। इसका वो था वोट स्टोन 300, वो भी बहुत ही बेस्ट था, ब्लैक कलर का था। तो यार इसका जो प्राइस है गाइस वो है यहाँ पे 1999 बता दिया था मैंने आपको। और इसका जो बैटरी बैकअप रियल में जो बैटरी बैकअप दे रहा है गाइस वो है 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है, 1 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इसके वॉल्यूम प्लस माइनस करने के यहाँ पे बटन भी दिए हुए हैं ऑन ऑफ करने का, और चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, सिंपल चार्जिंग का है। तो यार ये रही इसकी चार्जिंग और यहाँ पे आप ऑडियो जैक भी लगा सकते हैं 3mm केबल। तो यार ये बहुत ही बेस्ट स्पीकर लगा और ये शुरू से बोट स्टोन, बोट मेरी फेवरेट कंपनी है, पहले भी बोट के स्पीकर खरीद चुका हूँ। सो यार ये बहुत ही धांसू स्पीकर लगा, बहुत ही बेस्ट स्पीकर है। अब यार सेकंड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेकंड मेरे पास जो स्पीकर निकल के आ रहा है वो है गाइस HP मिनी 300। ये भी बहुत ही बेस्ट स्पीकर है, ये पॉकेट स्पीकर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियरली स्पीकर है, बहुत ही बेस्ट लगा है मुझे यार। और HP कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे गाइस, वो लैपटॉप वगैरह बनाती है, बहुत सारे HP प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पे। तो यार एक इसमें स्पीकर्स भी है गाइस। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें यार, वो इसको मुझे चलाते हुए 1 साल हो गया, तो यार ये क्यों बेस्ट लगा मुझे, तो ये जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है गाइस, ये इसीलिए बेस्ट लगा है क्योंकि इसकी जो बैटरी बैकअप है गाइस वो 5 से 6 घंटे है रेगुलर, और फुल आवाज़ फुल वॉल्यूम पे आप इस पर 5 से 6 घंटे सुन सकते हैं। और सेकंड ईयर सबसे खास इसकी चार्जिंग है, जो कि सिर्फ 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और सेकंड इसमें भी देखिए ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है आवाज़ के। सेकंड इसमें सबसे खास क्या है कि आप इसमें बात भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कॉलिंग का इसमें सिस्टम भी दिया हुआ है, ये आप कोई भी कॉल उठा के इसी से बात कर सकते हैं। छोटा है, बहुत ही अच्छा है, पॉकेट स्पीकर है, आप कहीं भी पिकनिक पे दोस्तों के साथ कहीं भी जाते हैं आप रूम पे हैं। और इसका जो साउंड है गाइस बहुत ही हैवी साउंड है, आपके पूरे रूम में आपको बाहर तक इसका साउंड सुनाई देगा, ये टक्कर दे सकता है अच्छे अच्छे स्पीकर्स को। और प्राइस की अगर हम बात करें तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, सिर्फ 799 रुपये का इसका प्राइस है यार। आप सोच लीजिए आप 799 में आपको इतना बेस्ट बोगी कंपनी का स्पीकर मिल रहा है और एक ब्रांडेड यहाँ पे आपको चीज़ मिल रही है। तो यार बहुत ही बेस्ट ये स्पीकर मुझे लगा सेकंड जो था। अब ये तो हो गए दो स्पीकर्स की बात गाइस, अब यहाँ पे सेकंड, अब देखिए ये दोनों स्पीकर्स आपके भाई के पास अवेलेबल हैं। सो बट मैं इन्हें डेली यूज़ करता हूँ, रोज स्पीकर्स बजाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा साउंड ज़्यादा बेस के लिए। इसमें बेस तो कम है बट इसमें साउंड बहुत ही बेस्ट है, क्लियर साउंड है,
इसमें बेस ज़्यादा है और साउंड भी बहुत ज़्यादा क्लियर है और प्राइस में भी इसी हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों में और कंपनी भी चेंज है यार, बोट हमेशा इन्हीं चीज़ों के लिए भी जानी जा रही है स्पीकर्स वगैरह के लिए। लेकिन एच पी पुरानी कंपनी है, बहुत ही बेस्ट है यार, तो उसका मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट आती हैं। आप लैपटॉप ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, मेरे पास इसका लैपटॉप भी और ये दोनों हमारे पास स्पीकर्स है जिनकी हमने बात कर ली। तो दोनों स्पीकर खास ना आप बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं। ये 1999 रुपये का गाइस, और ये जो है वो है यहाँ पे सिर्फ 799 रुपये का। दोनों स्पीकर बेस्ट हैं। इसका जो मॉडल नेम है गाइस वो है बोट स्टोन 650 और इसका जो मॉडल नेम है एचपी मिनी 300 इसका मॉडल नेम है। ये दोनों स्पीकर्स की यहाँ पे हमने बात कर ली थी। अब चलिए थर्ड हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है और जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, वो है यहाँ पे, और अभी इसकी सबसे ज़्यादा वीडियो मेरी ट्रेंडिंग में चल रही है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे मीवी के ड्यू पॉड्स। तो वाई मीवी कंपनी इज बेस्ट यार, सो मीवी कंपनी इज ऑल्सो बेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइडिंग अ बेस्ट साउंड क्वालिटी और बेस्ट बैटरी बैकअप। तो इसका जो बैटरी बैकअप है गाइस 7 से 8 घंटे आप रेगुलर साउंड फुल बेस करके सुन लीजिए, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो और बहुत ही बेस्ट मुझे इसके ड्यू पॉड लगे, और ये जो ड्यू पॉड्स हैं इसका मॉडल नेम है M20 M40 भी मेरे पास हैं, दोस्तों दे दिए हैं मैंने। तो यार ये बहुत ही बेस्ट लगे मुझे, इन्हें डेली यूज़ करता हूँ, सुनता हूँ। और सेकंड इसमें क्या बात है, आपको पहले तो इसके जो है बैकग्राउंड नॉइज आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, और यहाँ पे एक चीज़ और ज़्यादा खास है कि आपके कानों में सुनने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके पास ऐसी अपने अच्छी से मतलब फिक्स करके ये सब सिक्योरिटी दी हुई है कि आपके कानों में भी प्रॉब्लम आए, आप अच्छे से फुल मज़े ले सकें साउंड के। तो यहाँ पे यार मीवी ड्यू पॉड्स मुझे बहुत ही बेस्ट लगते हैं। और यहाँ पे देखिए कई लोग पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक साथ ऑन क्यों नहीं होते हैं, होते या नहीं होते। तो गाइस जैसे हम निकालते हैं कान में, जैसे हमने लगाया ये तुरंत रेडी टू पेयर हो गए, और ये देखिए स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे। तो गाइस ये बहुत ही बेस्ट है, सबसे अच्छा इनकी जो लाइट बिलिंग करती है, तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगती है यार, देखो अच्छा लगती है। और आपको ये देखना है कि इनकी बैटरी कितनी चार्ज है, तो आप इन्हें निकाल दीजिए अपने कान से, और जैसे आप बॉक्स में डालेंगे आपको ये चार लाइट यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जैसी चार लाइट दिख जाती हैं, तो गाइस ये चार लाइट आपको बता देंगे कि ये अभी फुल चार्ज है, और यहाँ पे ये आपके दोनों एक साथ ऑन हो रहे हैं। और अगर आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम आती है, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम सिर्फ आपको यहाँ पे सर्विस सेंटर इनके जाना पड़ेगा, तो वहीं पर आपको ये रिपेयर हो सकते हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस ये है सबसे बेस्ट ईयरबड्स, हाँ सबसे बेस्ट ड्यू पॉड्स, जिनका मॉडल नेम है मीवी ड्यू पॉड्स M20 M40 M80 तक यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत जल्दी मेरे पास आने वाले हैं अनबॉक्सिंग के लिए। सो गाइस ये थे यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट जो है मीवी के ड्यू पॉड्स, और अंडर बजट है। अगर हम इनके प्राइस की बात करें गाइस, तो 2000 रुपये इनका प्राइस है। आपको बहुत ही अच्छी साउंड यहाँ पे, बैटरी बैकअप यहाँ पे, साउंड क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी, यहाँ पे हर चीज़ आपको इनमें देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही बेस्ट है। और मीवी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल भी रही है, बहुत ज़्यादा इसके स्पीकर सेल हो रहे हैं, इसके ड्यू पॉड्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो ये थर्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट है गाइस मीवी का, ये सबसे बेस्ट है, आप इसे बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं। बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग लास्ट 8 मंथ्स, सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड दिस स्पेसिफिकेशंस, और इट्स वर्किंग, सो आई लाइक दिस 3 कंपनी यूजिंग। सो यार ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में मुझे बताना था, आप ये खरीद सकते हैं बिना सोचे समझे, बहुत ही बेस्ट हैं। सो यार मिलेंगे फिर आपको ऐसी नेक्स्ट टेक अनबॉक्सिंग रिव्यूज और वाली वीडियो में, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल इन्फोटेक हेमू के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब तो कर लो यार। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को बताना कौन सी 3 बेस्ट चीज़ें सही रहेंगी अंडर बजट में खरीदने के लिए, 2 स्पीकर्स और यहाँ पे 1 ईयरफोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे आपको फिर ऐसी धाकड़ टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी नेक्स्ट वीडियो में। सो